गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग LCR सर्किट पढ़ रहे हैं। बच्चों, कोई एग्जांपल्स आप बता सकते हैं? कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट आप बता सकते हैं जिसमें कि LCR लगा हुआ है? बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन हम आपको एक वेल नोन इंस्ट्रूमेंट बता रहे हैं जहां कि LCR होगा। ये देखिए, हम दिखा रहे हैं आपको, दिस इज रेडियो रिसीवर। चूँकि ये इस रेडियो रिसीवर में वायर्स हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब वायर्स हैं तो उसका अपना एक रेजिस्टेंस होगा। क्वाइल्स हैं, तो क्वाइल्स होने का मतलब उसका अपना एक इंडक्टेंस होगा, और एक कैपेसिटर लगा रहता है। तो दिस इज आर, दिस एल एंड दिस सी। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि रेडियो रिसीवर में LCR सर्किट भी होता है। केवल LCR सर्किट होता है ऐसा नहीं है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्किट इसमें रहते हैं, बहुत सारे सर्किट रहते हैं। पहले तो हम ये बताएं आपको कि जब LCR सर्किट रहता है तो इसमें XL इज इक्वल टू ओमेगा L और XC इज इक्वल टू 1/ωC। और ये जो रेडियो रिसीवर है इसमें आप देख सकते हैं बैटरी लगा रहता है। आप यहाँ पर देखिए, पीछे बैटरी लगा रहता है, ये बैटरी पर काम कर रहा है। तो बैटरी पर काम करने का मतलब इसमें DC सोर्स होता है। तो DC सोर्स के लिए DC की फ्रिक्वेंसी क्या होती है? जीरो होती है। इट मीन्स इस XL की फ्रीक्वेंसी रिएक्टेंस जीरो हो गया, और इस XL की रिएक्टेंस जीरो हो गया, और XC का यदि ये जीरो है, फ्रीक्वेंसी जीरो है, तो ये क्या हो गया? इन्फिनिटी हो गया। ओके, तो हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं LCR में कि इसमें XL भी जीरो है और XC भी जीरो है, क्योंकि इसमें DC सोर्स है इसलिए। लेकिन हम तो आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, हम रेडियो रिसीवर में हम बोल रहे हैं कि रेडियो रिसीवर में LCR होता है, और यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि इसमें XL जीरो हो गया और XC इन्फिनिटी हो गया, तो कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा होगा आपको। तो जैसा कि हमने पहले बताया था कि इसमें बहुत सारे सर्किट्स होते हैं, और उसमें एक सर्किट का नाम है ऑसिलेटर सर्किट। उसमें एक सर्किट का बच्चों नाम क्या है? ऑसिलेटर सर्किट। ऑसिलेटर सर्किट में क्या होता है? इसमें LC होता है, L और C। ऑसिलेटर किसके सर्किट में क्या होता है बच्चों? ये L और C होता है, इसमें इंडक्टर होता है, कैपेसिटेंस होता है। और इस ऑसिलेटर का काम क्या होता है कि ऑसिलेटर DC को AC में कन्वर्ट करता है। ऑसिलेटर हमको डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी देता है, और ये जो भी डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी है ये इस LCR के लिए वो सोर्स का काम करता है, जो भी ये फ्रीक्वेंसी हम फाइंड आउट करते हैं। और ये फ्रीक्वेंसी हम कितना लेके आते हैं बच्चों? मान लीजिए ये ओमेगा इज इक्वल टू √L/C। हम L और C को चेंज करके फ्रीक्वेंसी हम फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए, ये ओमेगा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? मान लीजिए कि जो स्टेशन है हमारा, स्टेशन से जो ब्रॉडकास्टिंग हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ मेगा हर्ज है। तो हम इस L या C की वैल्यू, या केवल C की वैल्यू को चेंज करके इस ढंग से चेंज करते हैं कि इस ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी स्टेशन से जो ब्रॉडकास्टिंग हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए। जैसे मान लीजिए कि हमको जाना है, ट्रेन पर चढ़ना है, और ट्रेन 20 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, और उसको हमको कैच करना है, तो हमारी भी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर होगा, तभी हम उसको कैच कर पाएंगे। तो सिमिलरली ये इसमें मान लीजिए LC, हमने बताया कि LCR होगा, एक LC ऑसिलेटर भी होगा। देखो बच्चों, यदि इसको हम यहाँ C को चेंज करें, देखिए C को हम चेंज कर रहे हैं, ये ट्यून करके हम C को चेंज कर रहे हैं, और C को चेंज करते करते जब C की वैल्यू एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ C, ये जो ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी स्टेशन सोर्स की फ्रीक्वेंसी के बराबर हो गया, स्टेशन फ्रीक्वेंसी के बराबर हो गया, देन उस समय हम L और C को इस ढंग से एडजस्ट किए हुए हैं, L और C को इस ढंग से एडजस्ट किए हुए हैं कि इस फ्रीक्वेंसी पर, इस ओमेगा फ्रीक्वेंसी पर ओमेगा L और 1/ωC बराबर हो जाए, यानी XL और XC बराबर हो जाए। तो जब XL और XC बराबर हो जाता है, देन इम्पीडेंस मिनिमम होगा, करंट मैक्सिमम होगा, और उस समय एनर्जी ट्रांसफर मैक्सिमम हो गया। देखिए, इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर एनर्जी ट्रांसफर मैक्सिमम हो गया, ओके, और हम सुन सकते हैं, कोई भी जो भी फ्रीक्वेंसी है उसको हम सुन सकते हैं, ओके। तो ये तो हमने आपको एक एग्जांपल देने की कोशिश किया, एक एग्जांपल बताने की कोशिश किया जहां पर कि LCR लगा हुआ है, ओके बच्चों।
हम LCR को फेजर डायग्राम से बता चुके हैं। एक्चुअली हम थोड़ा इसको मैथमेटिकल ट्रीटमेंट भी हम करना चाह रहे हैं, अल्टरनेटिंग एलिटर या अल्टरनेटिव इसको आप कह सकते हैं, अल्टरनेटिव। देखो बच्चों, आप लिख लेंगे, कंसीडर ए सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ ए रेजिस्टेंस आर एंड इंडक्टर एंड इंडक्टर एल एंड ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी कनेक्टेड इन सीरीज विथ ए एसी सोर्स एज शोन इन फिगर। यहां पर आर दिया हुआ है, एल दिया हुआ है और सी दिया हुआ है। यहां पर वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा बच्चों, दैट इज आर इंटू वाई, ये आपको मालूम है। इंडक्टर के अक्रॉस एल डी आई बाई डी टी और कैपेसिटर के अक्रॉस क्यू बाई सी। तो हमको क्या चाहिए, आई चाहिए, डी आई बाई डी टी चाहिए और क्यू बाई क्यू चाहिए। तो जैसा कि हम, आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे, लिखिए यहां पर, अब हम लिखवा नहीं रहे हैं, आप लिखिए, कंसिडर ए सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ ए रेजिस्टेंस ए इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस कैपिटल एल एंड ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस कैपिटल सी कनेक्टेड इन सीरीज विथ ए सोर्स विथ ए एसी सोर्स एज शोन इन फिगर। इतना लिखेंगे, इतना लिखने के बाद आप लिखेंगे लेट अस कंसीडर द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करेंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी। आप लिख लीजिए इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करेंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी। ऑफ टाइम टी कैन बी गिवन एज आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब देखो बच्चों, हमको डी आई तो यहां से मिल जाएगा, इसको इक्वेशन वन यहां पर कर लीजिएगा। हमको डी आई बाई डी टी चाहिए, तो डी आई बाई डी टी के लिए यहां पर हम क्या कर लेंगे, यहीं पर आप डिफ्रेंशिएट कर लीजिए इसको, डी आई बाई डी टी। डी आई बाई डी टी कितना हो जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा का डिफ्रेंशिएशन कॉस ओमेगा टी, साइन टी का कॉस टी, लेकिन ये टी नहीं ना है, ये ओमेगा टी है, इसलिए ओमेगा टी को फिर से आप डिफ्रेंशिएट करके, ओमेगा टी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ओमेगा आएगा डिफ्रेंशिएशन, और फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये डी आई बाई डी टी आ गया। और फ्रॉम इक्वेशन वन हमको चाहिए क्यू चाहिए, तो क्यू के लिए आल्सो आप लिखेंगे, आई के लिए, आई के जगह पर आप क्या लिखेंगे, आई के जगह पर आप लिखेंगे डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। दिस इम्प्लाइज डी क्यू इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स इंटीग्रेट कर देंगे, देन डी क्यू इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, ये हो गया, इंटीग्रेट कर दिए तो ये वैल्यू आ गया। तो एक मिनट, इंटीग्रेट करना है बच्चों, तो डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू, आई नॉट साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कॉस ओमेगा टी। देखो बच्चों, साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस टी, तो टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी होगा, यहाँ पर तो ओमेगा टी है, इसलिए ओमेगा टी को एक बार फिर से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो वैल्यू आती है उसे डिवाइड कर देते हैं। ये हम बार बार चीज़ आपको बता रहे हैं। तो हमको डी आई बाई डी टी मिल गया, इसको इक्वेशन टू कह लीजिए, और क्यू की वैल्यू आ गई, इसको इक्वेशन थर्ड कह लीजिए। तो हेंस ई इज इक्वल टू आर आई प्लस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू क्यू बाई सी। पुटिंग द वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन वन टू थर्ड से हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, इन इस इक्वेशन में पुट अप कर रहे हैं। वी हैव, हमको क्या मिलेगा बच्चों, थोड़ा इस बात को अच्छे से देख लीजिए, E इज इक्वल टू आर आई के जगह पर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस एल, एल हम लिखेंगे, डी आई बाई डी टी के जगह पर
डी आई बाई डी टी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, डी आई बाई डी टी की वैल्यू ये देखिए यहाँ पर है, आई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी क्यू बाई सी, क्यू की वैल्यू क्या लिखेंगे हम, क्यू माइनस आई नॉट ओमेगा, आई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी बाई सी, ये हो गया। तो दिस ई इज इक्वल टू आई नॉट आर साइन ओमेगा टी प्लस, आई नॉट कॉमन हम ले चुके हैं, ओमेगा एल माइनस वन अपन ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी, ये हो गया, ये वैल्यू आ गई। इसको हमको सॉल्व करना है, और इसके पहले जो दो सर्किट हम लिए हुए थे इस पूरे को मिटा दे रहे हैं, इसको आप लिख लीजिएगा जरूर, सर्किट बना लीजिएगा। इसके पहले जो हम बनाए हुए थे बच्चों, इसको यदि हम इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो इस इक्वेशन को कैसे हम सॉल्व करते हैं, आप देखिए साइन थीटा का जो भी कोएफिशिएंट है आर है, तो ये आई नॉट हम अंडर रूट आर स्क्वायर कर देते हैं प्लस कॉस कोएफिशिएंट का जो भी कोएफिशिएंट है कॉस ओमेगा टी का, कितना कोएफिशिएंट है ओमेगा एल माइनस वन अपन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। ये चीज़ को हम ब्रैकेट के बाहर ले लेते हैं, और जिसको ब्रैकेट के बाहर लिए हुए हैं उसी से आप डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे आर अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस वन अपान ओमेगा सी का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पर है साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी प्लस ये आप लिखिए ओमेगा एल माइनस वन अपान ओमेगा सी, ओमेगा एल थोड़ा सा और छोटा हम लिखते हैं प्लस ओमेगा एल माइनस वन अपान ओमेगा सी, ओमेगा एल माइनस वन अपान ओमेगा सी, ओके ओमेगा एल अपान वन अपान ओमेगा सी अपान, इसी इससे मल्टीप्लाई किए हुए हैं तो इसी से हमको डिवाइड भी करना होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस वन अपान ओमेगा सी होल स्क्वायर इंटू कॉस ओमेगा टी, यहाँ पर कॉस ओमेगा टी है कॉस ओमेगा टी, ये ब्रैकेट में हमने क्लोज कर दिया, ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया इससे, ओके। अब देखो बच्चों, अब आप इस पूरे टर्म को यहाँ से यहाँ तक इस पूरे टर्म को आप कॉस फाई मान लीजिए, लेट आर अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस वन अपान ओमेगा सी, एल आर सर्किट में भी यही हम काम किए थे, इज इक्वल टू कॉस ऑफ फाई एंड ओमेगा एल माइनस वन अपान ओमेगा सी अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस वन अपान ओमेगा सी का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ फाई, दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ फाई। तो ये वैल्यू हम लिखेंगे, ये दो इक्वेशन हम बना दिए थे, इस इक्वेशन को आप थर्ड लिख लीजिए, कॉस ऑफ फाई लिखे हुए हैं, कॉस ऑफ फाई इसको, इस इक्वेशन को आप थर्ड लिख लीजिए और इसको आप इक्वेशन फोर्थ लिख लीजिए, थर्ड एंड फोर्थ। हेंस ई इज इक्वल टू आई नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस वन अपान ओमेगा सी होल स्क्वायर। अब देखो ये जो वैल्यू है इसको कॉस ऑफ फाई लिखेंगे, कॉस ऑफ फाई साइन ओमेगा टी प्लस ये जो वैल्यू आया है उसको साइन ऑफ फाई लिख रहे हैं, कॉस ऑफ फाई साइन ओमेगा टी प्लस इस वैल्यू को आप लिखे हुए हैं साइन ऑफ फाई कॉस ओमेगा टी। तो नाउ साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो ई इज इक्वल टू आई नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस वन अपन ओमेगा सी का होल स्क्वायर, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, दिस इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी दैट इज ओमेगा टी प्लस फाई, ये वैल्यू हो गया बच्चों। तो हमको यदि आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी दिया हुआ है तो वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, आई इज इक्वल टू यहां पर देखिए इसका तो कोई डायमेंशन नहीं होगा, कोई यूनिट नहीं है, ये वोल्टेज है ये करंट है, तो ये पूरा का पूरा टर्म
इसको हम बोलते हैं इम्पीडेंस। इस रेजिस्टेंस को, LCR सर्किट के रेजिस्टेंस को बोलते हैं हम इम्पीडेंस बोलते हैं। तो हेंस हेंस E इज इक्वल टू आई नॉट जेड साइन ओमेगा टी प्लस फाई, वेयर जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस वन अपन ओमेगा सी होल स्क्वायर। ये हो गया, जेड की वैल्यू हो गई। और डिवाइड कर देंगे तो इसको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग फोर्थ बाई थर्ड आप डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने के बाद साइन फाई बाई कॉस फाई टेन फाई इज इक्वल टू ओमेगा एल माइनस वन अपन ओमेगा सी बाई आर। ये हो गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर वोल्टेज करंट से लीड कर रहा है बाई एंगल फाई, वेयर फाई इज इक्वल टू दिस वन। यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यदि हमारा वन अपन ओमेगा सी अधिक हो गया, ये लीड कब करेगा, जबकि ओमेगा एल अधिक है वन अपन ओमेगा सी से। वन अपन ओमेगा सी यदि ओमेगा एल से अधिक हो गया तो नाउ वोल्टेज विल लैग बिहाइंड द अल्टरनेटिंग करेंट। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि वोल्टेज लीड कर रहा है कि लैग कर रहा है। यदि यहाँ पर एक्सेल अधिक होगा, ओमेगा एल अधिक होगा, तो वोल्टेज करंट से लीड करेगा, यानी ये इंडक्टिव डोमिनेटेड होगा। इफ ओमेगा एल इज ग्रेटर देन वन अपन ओमेगा सी देन द सर्किट विल बी इंडक्टिव डोमिनेटेड। और इंडक्टिव डोमिनेटेड का मतलब वोल्टेज विल लीड द करेंट बाई 90/5। और यदि वन अपन ओमेगा सी ग्रेटर हो गया ओमेगा एल से देन द सर्किट विल बी कैपेसिटेटिव डोमिनेटेड। और यहाँ पर वोल्टेज विल लैग बिहाइंड द अल्टरनेटिंग करेंट। ओके, नाउ पावर डिसिपेशन, यहीं पर हम पावर डिसिपेशन भी देख रहे हैं। पावर डिसिपेशन, पावर डिसिपेशन इन LCR, LCR में पावर डिसिपेशन क्या होगा भाई? तो आपको पता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी, देन द पावर डिसिपेशन या हीट डिसिपेशन इन टाइम इंटरवल डी टी, द हीट डिसिपेटेड, द हीट डिसिपेटेड इन टाइम इंटरवल, इन टाइम इंटरवल डी टी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी, किसी पर्टिकुलर समय पर डी टी समय में कितना हीट डिसिपेट होगा, डी एच इज इक्वल टू, वो हम लिखेंगे ई इंटू आई इंटू डी टी। ओके, तो दिस डी एच इज इक्वल टू ई के जगह पर ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, और आई के जगह पर आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। ये हो गया। तो दिस डी एच इज इक्वल टू ई नॉट इंटू आई नॉट, फिर ये साइन ओमेगा टी है मेरा, साइन ओमेगा टी, और ये क्या है, साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये हो गया। इस ढंग से इसको हम लिख सकते हैं, या वैसे ही रहने दीजिए, साइन ओमेगा टी प्लस फाई को पहले लिख लीजिए, साइन ओमेगा टी प्लस फाई इंटू साइन ओमेगा टी इंटू डी टी भी है। तो ये तो केवल डी टी समय में इतना हीट डिसिपेशन है, तो टोटल हीट डिसिपेशन के लिए हम क्या करेंगे भाई, इसको फुल टाइम के लिए इंटीग्रेट कर देंगे, जैसा LR सर्किट और CR सर्किट में हम किए हुए थे। तो हेंस द टोटल हीट डिसिपेशन, हेंस द टोटल हीट डिसिपेशन, टोटल हीट डिसिपेशन कितना हो गया, टोटल हीट डिसिपेशन इसी को आपको इंटीग्रेट करना होगा। आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, ये डी एच इज इक्वल टू ई नॉट इंटू आई नॉट। इसको सॉल्व करिए, इंटीग्रेशन में ही है ये, सॉल्व करिए तो साइन ए प्लस बी साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी इंटू यहाँ पर साइन ओमेगा टी डी टी। ये हो गया इंटीग्रेशन। तो ये डी एच को हम एच लिखेंगे फुल टाइम के लिए, ये ई नॉट इंटू आई नॉट। अब थोड़ा और हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर,
अब इंटीग्रेशन में देखो बच्चों, ये हो गया साइन ओमेगा टी इधर आ गया, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस ऑफ फाई साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस ये डी टी, आप इस डी टी को या चलिए लिख लीजिए एक और स्टेप, फिर इस साइन ओमेगा टी को इसमें मल्टीप्लाई करिएगा, तो साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन ऑफ फाई, टोटल को हमको इंटीग्रेट करना है कहाँ से कहाँ तक, जीरो टू टी के लिए, फुल टाइम के लिए हमको इसको इंटीग्रेट करना है। तो दिस एच इज इक्वल टू, इस आई नॉट और ई नॉट को दोनों में रख लीजिए, तो ई नॉट इंटू आई नॉट, देखो बच्चों ये कॉन्स्टेंट है तो आप इसको इंटीग्रेशन के बाहर आप लिखेंगे कॉस ऑफ फाई इंटीग्रेशन जीरो टू टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये डी टी इधर आ गया प्लस ये ई नॉट इंटू आई नॉट, ई नॉट इंटू आई नॉट। यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर 2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 से जब डिवाइड कर दिए तो ये 2 आ गया, और ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन 2 थीटा ट्रिग्नोमेट्री में, तो इसको हम लिखेंगे साइन 2 ओमेगा टी डी टी, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे फुल टाइम के लिए 0 टू टी के लिए। तो हम आपको पहले हम बता चुके हैं तो हम बच्चों इसको हम पहले बता चुके हैं कि इसका इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन आपको पता है टी बाई टू होता है, और साइन ओमेगा टी साइन टू ओमेगा टी साइन थ्री ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी कॉस टू ओमेगा टी कॉस थ्री ओमेगा टी कॉस फोर ओमेगा टी जो भी हो, इसके लिए ये इंटीग्रेशन जीरो होता है। तो हेंस एच इज इक्वल टू आप लिखेंगे ई नॉट इंटू आई नॉट कॉस ऑफ फाई इंटू, ये इंटीग्रेशन हो गया टी बाई टू, आप लिखना चाहें तो आप लिख लीजिए, कई बार आप लिख चुके हैं, सिंस इंटीग्रेशन जीरो टू टी साइन टू ओमेगा टी डी टी दिस इज इक्वल टू जीरो फुल टाइम के लिए, एंड साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन एंड जीरो टू टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन फुल टाइम के लिए दिस इज टी बाई टू। तो केवल आपको इतना लिख देना है, कई बार हम इसको लिख चुके हैं तो ये आपको याद भी हो गया होगा। तो नाउ हेंस इसको आप लिख सकते हैं H इज इक्वल टू, तो एवरेज पावर डिसिपेशन, एवरेज पावर डिसिपेशन का मतलब हुआ टोटल हीट बाई टोटल टाइम, तो P एवरेज का मतलब हुआ टोटल हीट बाई टोटल टाइम, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं बच्चों, टोटल हीट कितना है या चलो नीचे लिख देते हैं, टोटल हीट डिसिपेशन है E नॉट इंटू आई नॉट कॉस ऑफ फाई अपन, टाइम से तो हमने डिवाइड कर दिया, अपन टू है, टू को हम लिख सकते हैं रूट टू इंटू रूट टू, ऐसे हम लिख सकते हैं। आगे हम बढ़ रहे हैं, तो ई नॉट अपन रूट टू को हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे ई आर एम एस, और आई नॉट अपन टू को हम क्या लिखेंगे आई आर एम एस, और कॉस ऑफ फाई को हम क्या बोलते हैं बच्चों, कॉस ऑफ फाई को बोलते हैं पावर फैक्टर, वेयर कॉस ऑफ फाई इज इक्वल टू पावर फैक्टर, पावर फैक्टर, और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसको इसकी वैल्यू क्या होती है आप देख लीजिए सर्किट, यदि आप देखते हैं कॉस फाई की वैल्यू, इधर हमारा यदि आई है तो वी आर भी इधर ही होता है, इसका रेजिस्टेंस होता है, और इस साइड में क्या होता है बच्चों, इस साइड में होता है एक्सएल माइनस एक्सी, और इस साइड में है टोटल जेड, इस ढंग से हम निकालते हैं, एक्चुअली वी आर है इधर, इधर है वी आर और इधर है वी एल माइनस वी सी, वेक्टर सम में है ये, और इधर होता है वी, और ये रिजल्टेंट यदि करंट से हमारा एंगल फाई बना रहा है तो यहाँ पर कॉस ऑफ फाई को बोलते हैं क्या बोलते हैं, कॉस ऑफ फाई को हम बोलते हैं वी आर अपान भी अपान बेस बाई हाइपोटेनियस अपान भी मैग्नीट्यूड ऑफ वी आर अपान मैग्नीट्यूड ऑफ भी, सीरीज में करंट सेम होता है तो इसको आप लिखेंगे आई बाई आई आर, और यहाँ पर आई जेड, तो आई से आई कैंसिल आउट हो चुका है, ये चीज़ हम बताए हुए हैं, ये चीज़ हम बताए हुए हैं। तो कॉस ऑफ फाई को हम लिखेंगे बच्चों यहाँ पर आर बाई जेड, जेड को क्या लिखेंगे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस वन अपान ओमेगा सी होल स्क्वायर, ये आपको मालूम है, तो पावर फैक्टर की वैल्यू इसमें इतना होता है, आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखो सर्किट में केवल इंडक्टर है तब कंडीशन से यहीं से आप देख लीजिए,
कंडीशंस आप यहाँ पर लगा लीजिए, यहाँ से भी हम पावर डिसिपेशन सबके लिए निकाल सकते हैं, फार रेजिस्टेंस वनली। यदि सर्किट में केवल रेजिस्टेंस है तो फाई की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई, क्योंकि वोल्टेज और करंट में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है। अब वोल्टेज करंट में कोई फेज डिफरेंस नहीं हुआ, कॉस फाई जीरो हो गया, तो पी एवरेज कितना होता है बच्चों, जब सर्किट में केवल रेजिस्टेंस है तो उस समय पी एवरेज कितना होता है, उस समय पी एवरेज होता है पी एवरेज इज इक्वल टू कॉस फाई की वैल्यू वन, कॉस जीरो की वैल्यू वन हो जाएगी, तो ये ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस। ओके, अब जब सर्किट में केवल इंडक्टर हो, ओनली इंडक्टर के लिए फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री, तो पी एवरेज कितना हो जाता है, कॉस फाई की वैल्यू जीरो हो जाएगा। केवल कैपेसिटर हो, ओनली कैपेसिटर, जब सर्किट में केवल कैपेसिटर है तब भी फाई की वैल्यू 90 डिग्री होता है, तो पावर लॉस फिर जीरो हो गया, यहीं पर आप लिख सकते हैं। फोर्थ, आरसी सर्किट के लिए या सीआर सर्किट या आरसी सर्किट के लिए, फॉर सीआर के लिए क्या लिखेंगे, पी एवरेज इज इक्वल टू एवरेज हीट डिसिपेशन कितना होगा, एवरेज पावर डिसिपेशन बेस बाय हाइपोटेनियस। ओके, हमारा तो ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस तो होगा ही, कॉस फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस फाई आप देखे हुए हैं ना, कॉस फाई इज इक्वल टू आर बाई जेड अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस वन अपान ओमेगा सी का होल स्क्वायर। तो जब सर्किट में केवल सी है और आर है तो ओमेगा एल तो रहेगा नहीं, तो कॉस फाई के जगह पर लिखेंगे अंडर रूट आर स्क्वायर अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल नहीं है, वन अपान ओमेगा सी का होल स्क्वायर, माइनस है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, नाउ फोर्थ हो गया। फिफ्थ आप देख लीजिए, जब सर्किट में केवल एल आर हो, सर्किट में केवल एल आर है, फॉर एल आर ओनली, फिफ्थ फॉर एल आर ओनली, जब सर्किट में केवल एल और आर हो तो ये वन अपन ओमेगा सी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एवरेज पावर डिसिपेशन उस केस में क्या होगा, ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस ऑफ फाई इज इक्वल टू आर अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। ओके, और जब सर्किट में एल सी आर हो तब तो हम निकाल ही चुके हैं, फॉर एल सी आर के लिए एवरेज पावर डिसिपेशन ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस, कॉस ऑफ फाई कितना था आर बाई जेड, जेड कितना था अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस वन अपन ओमेगा सी होल स्क्वायर। ओके, तो कुछ होमवर्क आपको दे रहे हैं, क्वेश्चन डिस्प्लेड है, आप देख लीजिए और इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, क्वेश्चन देख लीजिए, ये ऑब्जेक्टिव है, क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको जरूर आप सॉल्व कर लेंगे, ये आपका होमवर्क हो गया। ओके, थैंक यू।